उत्तर प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने धरने के दौरान आरोप लगाया कि सरकारी और शमशान की भूमि पर भाजपा नेताओं का कब्जा हो रहा है। उन्होंने जिले में बढ़ती हत्याओं और युवाओं के असुरक्षित भविष्य पर चिंता जताई है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। महंगाई के मुद्दे पर भी कार्यकर्ताओं ने आवाज उठाई। इसके अलावा स्कूलों और कॉलेजों के बाहर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।